वेलकम टू माघा एकेडमी स्कूल ऑफ लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है और बहुत आपके लिए इफेक्टिव है। इस टॉपिक का नाम है एनर्जी, नॉलेज एंड सक्सेस। इन तीनों को एक ही डायमेंशन में देखने के लिए ये वीडियो है, क्योंकि ये हमने बहुत नोटिस किया है कि स्टूडेंट लाइफ में आपको अगर आप एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एनर्जी को बैलेंस करके आप अपने एम तक पहुंच सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनर्जी का लेवल आपको पता होना चाहिए कि आप किस समय एनर्जी के किस लेवल पे हैं और अगर किस डायरेक्शन में आप एनर्जी को यूज कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और अगर आप एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टार्ट, जब आप स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ने को, एफर्ट्स, एंड थर्ड इज एंड, आप कैसे एंड करते हैं। तो जनरली इसमें जो स्टार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आपको स्टार्ट मॉर्निंग में उठते से ये लग रहा है कि मेरी एनर्जी लो है और मुझे पढ़ाई की टेबल पे जाने का मन नहीं कर रहा है, आप इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये कारण हो सकता है कि आपने प्लान बना लिया है पहले से कि मैं इतना इतना पढ़ूंगा, पिछली रात को आपने प्लान बनाया था और मॉर्निंग में वो एग्जीक्यूट करना है आपको, तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का फियर भी हो सकता है। तो आप सुबह उठ के अपने आप को सिर्फ इतना बोलिए कि मैं आज सिर्फ 14 मिनट्स पढ़ूंगा लेकिन क्वालिटी का पढ़ूंगा, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ूंगा, तो आपका एनर्जी लेवल एकदम हाई चला जाएगा। और एक और मेथड है जिसमें आप, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूं, वो है कि आपको ये समझना कि एनर्जी के जो भगवान हैं, वो एनर्जी के जो भगवान स्टार्ट के लिए हैं वो कौन है, वो है विष्णु भगवान। अगर आप उन्हें कॉल करते हैं या उन पर ट्रस्ट बनाते हैं कि मेरा स्टार्ट की एनर्जी और मेरा स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, मेरा इस तरीके से आप उनसे कनेक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में आपको मदद करेगा। आप अपना बिलीव उन पे बनाइए और स्टार्ट के लिए उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे ट्रस्ट कर सकते हैं, अपनी बात उन पे बोल सकते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल बैलेंस हो जाएगा। फिर आपका पूरे दिन में जो आप एफर्ट्स मारते हैं और जो नॉलेज गेन करते हैं, उसके जो भगवान है वो है लॉर्ड सैटर्न, मतलब शनि भगवान। और आप कोई भी मंत्र उनका ले सकते हैं, जैसे ओम राम प्रीम कोम शाह शनिश्चाय नमः, ये लेके आप अपने एफर्ट्स और नॉलेज को इम्पोर्टेंस दीजिए। अपने रिजल्ट्स के बारे में मत सोचिए ज़्यादा, अपने एफर्ट्स और नॉलेज को एनालाइज कीजिए। हाँ, विष्णु भगवान का जो मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब आप स्टार्ट करें तब आप उसे आप उसे कॉल कर सकते हैं, एटलीस्ट हाफ एन आवर तो कॉल कीजिए। और जो एंड यहाँ पर बहुत नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एंड में अगर आपको लगता है तो आप रिवीजन कीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं एंड करने पे, तो एटलीस्ट 2 आवर्स 1 आवर्स रिवीजन जो आपने पूरे दिन पढ़ा है, तो आप फिर प्रॉब्लम में हैं। और अगर आपने प्लान जो किया है अपनी पढ़ाई का, वो 15 डेज का या 10 डेज का रेडी किया है और बीच में आपको लगता है कि आप उसको अपनी ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं, तो ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट भगवान हैं, जो माता हैं, वो हैं महालक्ष्मी माता हैं और उनके वेरियस अवतार्स हैं, जैसे कि सरस्वती माता। तो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं और उनसे अपने ग्रोथ की कॉलिंग कर सकते हैं, और आप इस कॉलिंग से और इस मेडिटेशन से आपकी एनर्जी लेवल जो है वो आपके नॉलेज और एनर्जी में मैच बनेगा, जो आपको एट लास्ट सक्सेस तक पहुंचाएगा। स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे ही डिपेंड करता है आपकी पूरी जर्नी। अगर आप एग्जाम ड्यूरेशन में हैं, एग्जाम प्रोसेस में हैं, तो आप जरूर अपनी एनर्जी को मेंटेन कीजिए और ऐसी हैबिट्स में मत पड़िए जो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। ओके, हम इस पे और भी वीडियोज बनाते रहेंगे और ये एक डिफरेंट टॉपिक है, और बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।